हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस नेस्ट। मैं रूबी सेन, आप सब कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ दही भिंडी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, विथ लेस इंग्रेडिएंट्स मैंने इसे बनाया है और इवन बिगनर्स एंड बैचलर्स कैन ऑल्सो प्रिपेयर इट। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन क्लिक करना मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी हंड्रेड और मेरा फेसबुक पेज है सेंस नेस्ट। और सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, सो बेझिझक सब्सक्राइब कीजिए। भिंडी बनाने के लिए मैंने 400 ग्राम भिंडी ले लिया है, ये फ्रेश फ्रॉम माय किचन गार्डन है। और इसे इस तरह से कट कर ले, और अगर बड़ी साइज़ की भिंडी है तो 3 पीसेस में कट करें, और अगर स्मॉल साइज़ की है तो 2 पीसेस में कट करने से ही होगा। और बीच में से ऐसी चीरा लगा ले ताकि सारे मसाले अंदर तक जाए। भिंडी को हमें शैलो फ्राई करना है, इसलिए मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा ही ऑयल डाला है। और इसे अच्छे से शैलो फ्राई कर ले, और फ्राई होने के बाद इसे अलग निकाल के रख ले। आप देख सकते हैं कि भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है, कलर आ गया है उसमें। अब इसे अलग निकाल के रख ले। एक छोटे से बाउल में दही ले ले 3 चम्मच के करीब। दही बहुत खट्टी होनी चाहिए, और आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप दही ले सकते हैं। अगर ज़्यादा भिंडी बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा दही लीजिएगा। और उसमें ऐड करें मिर्ची पाउडर 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच ज़ीरा पाउडर। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली। उसी कढ़ाई में मैं थोड़ा सा और ऑयल ऐड कर रही हूँ, मस्टर्ड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा उसमें ऐड करें 1 चम्मच जीरा, और साथ में ऐड करें 1 चम्मच सरसों। और जैसे ही क्रैकल करने लगे सरसों, उसमें ऐड करें 1 बाउल चॉप्ड अनियंस, और अनियंस को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करें। और इसमें ऐड करें थोड़ा सा फ्रेश कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा आपकी सब्ज़ी में। अब इसमें ऐड करें फ्रेशली कट गार्लिक, आप गार्लिक पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली। अब इसमें ऐड करें 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, और अगेन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, और तब तक कुक करें जब तक रॉ स्मेल ना चला जाए जिंजर और गार्लिक का। अब इसमें ऐड करें टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर ऐड करें, साथ में ऐड करें कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर कलर। अगेन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली। मैंने इंडक्शन को बंद कर दिया था, और कुछ देर ठंडा होने के बाद उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही। नहीं तो गर्मा गर्म अगर आप दही ऐड करेंगे तो फट जाता है दही। सो ठंडा होने के बाद ही फिर दही ऐड करें, एंड अगेन अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करें, मिक्स इट वेल प्रॉपरली, एंड देन इंडक्शन को ऑन करें। मसाला को अच्छे से भुने, और अब इसमें सॉल्ट ऐड करें, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऐड करें। अगेन मिक्स इट वेल प्रॉपरली, और इसे कवर करके 5 मिनट्स तक कुक करें जब तक कि ऑयल रिलीज ना हो। मसाला में थोड़ा सा वाटर ऐड करें, दही वाले बाउल में ही मैंने वाटर डाल के उसे ऐड किया है ताकि मसाला हमारा जल ना जाए। एंड अगेन अच्छे से मिक्स करें, मिक्स करने के बाद इसे कवर करके 5 मिनट्स के लिए कुक करें।
आप देख सकते हैं कि मसाला से ऑयल रिलीज़ हो गया है। एंड नाउ इट्स टाइम टू ऐड फ्राइड भिंडी ऑन इट। अब फ्राइड भिंडी को इसमें ऐड करें और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसी तरह इसे सर्व कर सकते हैं एज अ सूखी सब्ज़ी। बट मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी तरी वाली चाहिए। सो मैं इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करती हूँ और वाटर ऐड करने के बाद अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद अगेन इसे 5 मिनट्स तक कुक करें ताकि सारे मसाले भिंडी के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाए। और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से उबलने लगा है और सारे मसाले भिंडी के अंदर इन्फ्यूज़ हो गया है और ऑयल भी रिलीज़ हुआ है और बहुत ही यम्मी और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और तो फ्रेंड्स इसे आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि कैसा बना है ये दही भिंडी की रेसिपी। इसे आप गर्मा गर्म सर्व करें रोटी कुलचा पराठा के साथ या प्लेन राइस स्टीम राइस या पुलाव या बासंती पुलाव या वेजिटेबल पुलाव के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हो। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है और बेल बटन क्लिक करना भी मत भूलिए ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए एंड यू विल बी द फर्स्ट वन टू सी इट। लाइक कीजिए शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है साड़ी100 और मेरा फेसबुक पेज है सेम्स नेस्ट। तो फ्रेंड्स मिलते हैं ऑन माई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग recipe. Till then, bye bye. Stay safe, stay strong, stay healthy and stay connected.